यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं। अच्छा। और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है, मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है। लॉकर में हार्ड ड्राइव है, लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसे रोके भी तो कैसे? क्या हुआ? बहुत चाणी चीज है तू, दिखता बहुत भोला है। मेरे को लगा तू ये हसीन दिलरुबा से सच्चा वाला प्यार करता है रे, लेकिन तू तो उसका ये सामान वनटास करने के चक्कर में। नहीं मतलब कर कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहले बोलती हूँ, ये काम मैं करेगी तो ये लॉकर में जो कुछ भी निकलेगा उसका 50% मेरे को मांगता है। बोल, मंजूर? लॉकर में जो सामान है ना, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बाकी चीजों में मुझे कोई रुचि नहीं है। तुम सब रख सकती हो। क्या करें क्या करें, कैसे रोके अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचने से, कैसे दूर किया जाए अनुभव को लॉकर से। जा, अरे वहां कहां जा रही हो, लॉकर इस तरफ है। अरे अब वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले हल्का होने का, तो मैं जरा हल्की होके आती हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी। एक्सक्यूज मी, मुझे लॉकर यूज करना था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर आप ये फॉर्म भर दीजिए। क्या मैडम, वो आपके सामने कितना कुछ सुनाती रही और आप चुपचाप खड़ी सुनती भी रही। क्या करें हम, हमारे अंदर ना कुछ दिक्कत चल रहा है, हम नहीं समझा पाएंगे तुमको। हम चाहकर भी ना कुछ कुछ स्थितियों में करिश्मा सिंह को जो है ना वो रोक नहीं पाते हैं। कुछ कुछ परिस्थितियों में करिश्मा सिंह जो है वो हसीना मलिक को भार आने ही नहीं देती है। अब 100 बात की एक बात ये है कि कानूनन उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बन रहा है। कहा तुमने उसको पैसे दे दिए पर उस बात का कोई सबूत नहीं है, तो अब वो कितनी बड़ी फसादी है ये तुम्हारे अलावा कोई जानता भी नहीं है। तो हमें किसी और तरीका से थोड़ा संयम से इस केस पे काम करना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमको इंसाफ मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? सुनीता कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता। तेरी नौकरी के बारे में सुना, अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ? मैडम ये मेरी दोस्त है कम्मो। कम्मो ये करिश्मा मैडम है। देखिए ऐसे हमसे तो जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको आपके सहयोग की जरूरत है, तो इनका साथ दे, ठीक है? जी मैडम, हम सभी जानते हैं कि गलत वो चारुलता मैडम ही है, पर चारुलता मैडम के साथ उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम में से कोई भी उनके साथ उलझेगा तो यहाँ कोई भी किसी भी मेड को काम नहीं देगा। हेलो हेलो, FFK नेशनल बैंक। हमारे बैंक में बॉम्ब रखा है, बहुत बड़ा बॉम्ब जो कि कभी भी फट सकता है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लोगों को भगाओ, कुछ करो, बचाओ अपने बैंक को। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर, एक सेकंड सर। क्या हुआ राकेश? सर बैंक में बॉम्ब है। सर बैंक में बॉम्ब है, आप हंस रहे हैं? इस महीने ये तीसरी फेक कॉल है राकेश। बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब फालतू लोगों का टाइम पास है बस, और कुछ नहीं। मैम वो लॉकर का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, इसे कहाँ से बंद करना है? आइए सर मैं आपको लेके चलती हूँ। Excuse me, पेन देंगे? बॉम्ब बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। आपने कहा बॉम्ब? इन्होंने बॉम्ब कहा? नहीं, मैम, इन्होंने अभी बॉम्ब कहा? फेक कॉल की मैम, ये गलत खबर है मैम। ये बिल्कुल झूठी खबर नहीं है, यहाँ पर सच में बॉम्ब है, बहुत बड़ा बॉम्ब है। अरे चलो, चलो
आइए सर, आइए आइए। भागो भागो, यहाँ बॉम्ब है। अरे वो भागो। बताओ भैया, मैडम को वेरीफाइड मेट चाहिए और संतु हमको लगता है बहुत अच्छा अफसर है उस बिगड़ी हुई घोड़ी के नाक में नकेल डालने का। मेट जानी चाहिए, पर ऐसी मेट जानी चाहिए जो उस कबूतरी के ना पर उतर सके और उसको समझा सके कि जब जैसे को तैसा मिलता है ना तो कैसा लगता है। तुम समझो हमारी बात को। हाँ, क्या बात कर रही है मैडम? मतलब बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, आप एक बार हमको बोल देते ना मैडम तो हम भेज देते इसको। हाँ हाँ, ये चला जाता मेट बन के हुआ पर वो कबूतरी का पंख उतरने के लिए। भेज देते इसको। मेड, हाउ यू मेड दिस सेंटेंस? मतलब यहाँ भी पोछा मारू, वहाँ भी पोछा मारू, पूरे लखनऊ शहर में पोछा मरवाऊ, मुझसे मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्यों तुम डरावने हो। तुमको फीमेल बनाएंगे, तुम डबल डरावने हो जाओगे। वहाँ जाके डराना नहीं है, वहाँ जाके समझाना है। का समझे? माँ, मेरा भी कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। वैसे मैडम मैं तो अच्छी एक्टर हुई, मैं चली जाती हूँ। नहीं 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 संतू, तुमको मेड बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेड लगे, समझो। क्या हम मेड लगते हैं? हाँ मैम, मतलब आप कलाकार हो, आप कुछ भी लग सकते हो। हाँ वैसे हमने कभी अभिमान नहीं किया, मगर आज भी शहर की नाट्य संस्थाओं में हमारी अभिनय क्षमता को दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है और बताया जाता है। ऐसा अभिनय नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, एकदम सटल, लाउड बिल्कुल नहीं। वैसे हम ये मेड का रोल यूं कर लेते, मगर क्या है ना, हमारी अभिनय क्षमता के समक्ष खरा नहीं उतरता ना। काब, एक सेकंड, बिलोटे, काब बात कर रही है पुष्पा। किसी भी इंसान का कद उसके भूमिका से बड़ा नहीं होता, कभी नहीं। ये तो है, देखिए पुष्पा जी, पूरे एक्टिंग हिस्ट्री में ऐसी मेड ना कभी आई होगी और ना ही आएगी। बिल्कुल, सोचिए आपने पेड़ का किरदार निभाया है पुष्पा जी, तो मेड का तो कर ही सकती है ना। मगर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया, बताइए। आज से पूरा एक हफ्ते के लिए घर का सारा काम, माने सारा काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी है, सब काम आपको करना पड़ेगा। एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे हम। दिमाग बोरा गया क्या आपका पुष्पा जी? थाना में अपने सीनियर के सामने, वो भी जो दुर्भाग्य से आपकी बहू है, उसके सामने आप ऐसा पंगा ले रही हैं एकदम फेस टू फेस ना, मतलब आपको खौफ नहीं है क्या अंजाम का? अंजाम का खौफ खाने वाले कभी कुछ हासिल नहीं करते मैडम जी। शूरवीर जीते हैं मैदाने जंग। पुष्पावती का कैरेक्टर, बोलिए मंजूर है कि नहीं? अब केस के लिए एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बोल दीजिए। हाँ ठीक है, मंजूर है। अब ये तलवार रखिए अमानदार। इंकलाब जिंदाबाद। तो फिर ठीक है, हम भी एक अच्छी सी मेड बनने के लिए तैयार है। नहीं अच्छा बनना ही नहीं है ना, वो बनना है जो आप हैं, बुजुर्ग। नकचड़ी, नकचड़ी मेड बनना है। आपने मेड के लिए अप्लाई किया था ना? तुम कौन हो? हम पुलिस सर्टिफाइड मेल है। क्या मेड? मेड खुद कमिश्नर साहब ने जाकर ये सर्टिफिकेट इशू किया है हमें और कहा है कोई भी इशू हो, कोई भी मतलब कोई भी इशू हो, जैसे पगार वक्त पे ना मिले, कोई ऊंची आवाज में बात करे, काम बहुत पड़े, या फिर ओवरटाइम ना मिले, कोई भी इशू हो तो सीधा हमारे पास चले आए। घर के संबंध है ना? घर के संबंध? हाँ हाँ, दो साल उनकी यहाँ काम किया है हमने, तो हो गया ना घर के संबंध। वैसे किचन कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे। ये रहा हमारा एल्बम, जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, हेड कांस्टेबल से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक, सबके साथ खींची हुई तस्वीरें इसमें चिपकाई है और उनका पर्सनल फोन नंबर भी है। वैसे आप खाने में नमक तेज खाती है या कम? कम। तो फिर तेज नमक खाने की आदत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि खाने में हम तेज नमक खाते हैं ना। वैसे और कितने कमरे हैं? हम देख लेंगे।
शुक्र है हार्ड डिस्क अनुभव के हाथ लगने से पहले हमने लॉकर से उसे हासिल कर लिया। आइए सर आइए, मैं माफी चाहता हूँ इस भगदड़ के लिए। दरअसल किसी ने फेक कॉल करके कह दिया कि बॉम्ब है, तो अफवाह फैल गई और फिर ये सब हो गया। ऐसे कैसे कोई कॉल कर सकता है? आई नो, हम पता लगा रहे हैं। आप आइए सर, कम ऑन एवरीबॉडी बैक टू वर्क। कहाँ थी तुम? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? अरे डार्लिंग, तुम समझता ही नहीं है मेरे को। मैं तुम्हारा काम करने गई थी। देखो मेरे को क्या लगा, जब तक इधर टाइम पास चल रहा है ना, मैं चुपचाप गई लॉकर में से सारा सामान बटोर के ले आई। कहीं ना, बढ़िया काम किया ना। चलो भी फटाफट चला, आधा आधा करते हैं। अच्छा अभी एक काम करो। हाँ। ये बैग है, इसके अंदर सामान है, बैग को सामान समेत लॉकर में रख दो। लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बन रही है चाय, बन रही है। अब अच्छी चीजें बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है, बस दो मिनट में देते हैं। हाँ। हम चाय ये लीजिए। चाय क्या है ये? अरे अरे ये चाय है या रसगुल्ले की चाशनी? इतनी मीठी। अरे तुमसे अच्छी तुम्हारी पुरानी मेड थी सुनीता। देखिए मैम साहब, अब हम ही आपकी सुनीता हैं। हाँ बर्तन साफ करो। रख रहे। ये पानी, इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो अब भी साफ हो जाएगा। हाँ, पर हमारे कमर में दर्द है ना, हम झुक नहीं सकते। हम ना आप ही को पोछा दे देते हैं। तुम्हारा ना तुम ऐसे बर्तन धोती हो, पूरी गंदगी लगी है उसपे। वो क्या है ना, हम हमारा चश्मा लाना भूल गए ना, नंबर वाला, इसलिए बर्तन ठीक से देख नहीं पाए। कल हम चश्मा लेकर आएंगे, पूरा घर अच्छे से साफ करेंगे। एक काम करो, तुम रहने ही दो, जाओ जाकर अंश के साथ खेलो। हाँ जाते हैं। अंश, हम खोल के दे। बहुत मिस करते हो ना सुनीता दीदी को? बहुत। तुम चाहते हो सुनीता दीदी वापस आए? हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, तुम ना तुम इतनी मस्ती करो कि तुम्हारी मम्मी को सुनीता दीदी को वापस बुलाना पड़े तुम्हें संभालने के लिए। करोगे? हाँ। पेंटिंग करनी है ना तुम्हें? हाँ। हाँ, तो फिर बुक में नहीं करते तुम्हें हम हाँ इससे भी बड़ी चीज देते हैं। हाँ, ये दीवार, ये लो, जाओ जाओ जाओ। जैन करिश्मा जी। जी पुष्पा जी, कैसा चल रहा है आपका मिशन सताओ? ना वो बिगड़ी घोड़ी कैसी है, उसको भी सता रही है ना आप अच्छे से? हाँ, मतलब और किसे सताते हैं हम? हाँ, करिश्मा मैडम को और किसको? अरे कौन किसे परेशान करता है ना, सारा लखनऊ जानता है। अब क्या बताए तुमको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। मुद्दे पे रहे, उसी पे तो है हम, यही तो इकलौता मुद्दा है आपके पास। जहाँ जगह भी ना हो वहाँ घुसकर हमारा अपमान करना, हमें जलील करना, हमें ताने मारना, हमें बिंदु ठहराना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझाइए आगे बोलिए। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है।
जैसा सोचा था ना उससे भी बढ़िया चल रहा है। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुकी होगी। सुनीता सच में बहुत अच्छा काम करती थी। अम्मा यही तो चाहते थे हम। बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी सुनिए, अब शाम तक ही मामला रफा दफा करने का टाइम आ गया है, तो आखिरी पासा फेंकने का टाइम अब शुरू। बेटा तुम मत। पुष्पा लता पागल हो तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता उसने पूरी की पूरी मोहल्ल खराब कर दी। फोन रखो नीचे। हाँ बुआ बात में फोन करते हैं। फोन रखो। अंधी हो क्या? टाइम पास कर रही हो यहाँ पे बैठ के तुम? अरे देखिए तो अपने बच्चे की कला कितना अट्रैक्ट पेंटिंग है ये। अट्रैक्ट नहीं एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे की कला उसकी प्रतिभा उसका कला का गला दबा रही हैं। सोचिए क्या पता कल आपका ये बच्चा फिदा हो। किस पर? फिदा हुसैन हो सकता है, पिकासो हो सकता है, रतन रंगीला हो सकता है। चुप करो, निकलो मेरे घर के बाहर अभी के अभी। मुझे तुम जैसी लापरवाह निकम्मी और बेवकूफ मेड नहीं चाहिए। निकलो। अरे 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 ऐसे कैसे निकले? कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया था ना, पढ़ा कि नहीं? हाँ इतनी बड़ी बड़ी आंखें जो है क्या लिखा था उसमें? ऐसे निकालने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1 महीने की तनख्वाह हाथ में रखनी पड़ेगी एडवांस में, वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे, फिर वहां दे देना कोर्ट में हमारा वेतन। हे भगवान क्या मुसीबत पाल ली है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पुरानी बहन सुनीता थी, मेरी गलती थी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने उसे निकाल दी। तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी, मैं थाने में बात करूंगी। तुम चलो यहाँ से। अरे हाँ हाँ चलो, हम नहीं डरते किसी से। अच्छा हुआ हमने हार्ड ड्राइव देने से पहले ही सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया। आखिर अनुभव इतना डेस्परेटली हार्ड डिस्क क्यों पाना चाहते हैं? क्या सच में बख्शी सर सही हैं? अनुभव देश के दुश्मन हैं या फिर अनुभव वैसे नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं? कहानी कुछ और ही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं? कौन सही कौन गलत, आखिर सच क्या है? कहीं ये हमारे असीम प्रेम की हट तो नहीं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब आप इस दुनिया में नहीं है हसीना जी, या फिर आपके होने का वो अनुभव जो हमें ये बार बार कह रहा है कि आप कहीं नहीं गई, यहीं है, यहीं कहीं हमारे आसपास। मैडम चारुलता मैम सबका फोन आया था, बोल रही है घर बुलाया है। अकल ठिकाने आ गया ना उनका एक ही दिन में। उनको सही कीमत समझ में आ गया, सही इंसान का। समझ लो हमारी बात को। पुष्पा जी का मैसेज आया था आपकी चारुलता मैडम के साथ, वो भी आ रही है थोड़ी देर में। बधाई हो सुनीता जी, हमारी पुष्पा जी ने आपकी चारुलता मैडम की अकल ठिकाने लगा दी। देखिएगा इससे अब सम्मान पूर्वक आपको दोबारा अपने घर में काम पर रख लेंगी, और आपका जो पैसा रखी थी ना वो भी वापिस कर देंगी आपको। चिंता कौन बात है, सब मैटर सॉल्व हो गया है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सुनार के घर का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। एक मेहनती इंसान की सच्चाई हजारों बेईमानों की चापलूसी पर भारी पड़ती है। तुम एक मेहनती और सच्चे इंसान हो सुनीता, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता था।
हम जानते थे कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, सो मिल गया। है ना पब्लिक, मैंने बोला था टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। शुक्रिया मैडम, ये सब ना आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है। देखो ऐसा है कि झूठ के बादल जितना मर्जी साजिश रच ले, सच का सूरज जो होता ना वैसे अंधेरा चीर के बाहर निकल ही आता है। देखना कैसे आएंगी, अब एकदम सम्मान पूर्वक आपको वापस लेकर जाएंगी। ए, इस शैतान का 5G कितना ज्यादा तेज है, इधर नाम लिए उधर हाजिर। देखे 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 कैसे चारू लता जी आ रही है पुष्पा जी के साथ। सॉरी पर मुझे आपकी ये पुलिस वेरीफाइड मेड नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हैं ना, ये काम ठीक से नहीं करती हैं क्या, हमको बताइए। इन्हीं से पूछ लीजिए, आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है